हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया, अमेजिंग प्रिया ब्लॉग चैनल से। आज मैं मेरा ब्लॉग अब शुरू कर रही हूँ 7 बजे शाम से, और शाम के 7 बज रहे हैं। और इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी प्यारी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पकौड़े की। तो जो पकौड़े मैंने कल बनाए थे वो पकौड़े मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और इधर ये आ गए हैं ऑफिस से, तो ये क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। हाय करो। और लैपटॉप में एडिटिंग कर रहे हो ना, तो लैपटॉप से एडिटिंग कर रहे हैं और तो काम करने में लगे हुए हैं। तो चलिए फिर आप लोग मेरी पकौड़े की रेसिपी देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइज, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। तो आज बारिश हो रही थी दिल्ली में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पकोड़े बना दो आज, तो ये मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अनियन काटे हुए हैं, 10-12 अनियन मैंने काट के रफली चॉप किया है मैंने। उसके बाद हरी मिर्ची और थोड़े से गरम मसाले, थोड़े से टर्मरिक, थोड़े से सूखे मसाले वैसे, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और बेसन। बेसन मैंने ये राजधानी का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को मैंने बिना पानी के ऐसे मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं पकौड़े। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है, सरसों का तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम तलेंगे पकौड़े। गैस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लिया, बस इसमें थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा बेसन और ऐड करना चाहूँगी। तो गाइज़ मैंने बेसन ऐड कर दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद तलते हैं पकौड़े। और चलिए फिर तल लेते हैं पकौड़े। और कुकिंग करते समय वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक हाथ से कुकिंग करना, एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रही हूँ बड़ी मुश्किल के साथ। ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को मेरे, लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर, कुकिंग ऑयल मेरा गर्म हो गया होगा, तो चलिए उसमें पकौड़े तलना शुरू करते हैं। मैं हाथ से ही बना रही हूँ। तो चलिए इसको पक जाने देते हैं, और जैसे गोल्डन ब्राउन होता है फिर इसको निकाल लेते हैं। गाइस पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, अभी गोल्डन ब्राउन पूरी तरह से नहीं हुआ है, बट 5 मिनट में हो जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के पकौड़े मैं तल लूँगी। तो चलिए इसको गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे पकौड़े तलना शुरू करते हैं। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। बाकी 2 पकौड़े मैंने निकाल लिए, तो चलिए फिर इसको निकाल लेते हैं। गाइस पकौड़े हमारे एक बारी का निकल गया है और अभी 2 बारी का है। तो एक बार का निकल गया, एक बार का पकौड़े मेरे कुछ इस तरह से बने हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस ये रहा मेरे पकौड़ों का फाइनल लुक। तो ये रहे मेरे यमी टेस्टी पकौड़े। तो ये मेरे यमी से टेस्टी से पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं, और बाकी के इधर पकौड़े मेरे तल रहे हैं, तले जा रहे हैं, और ये पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए हम पकौड़े इन्जॉय करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो मेक श्योर एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक करके तभी जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। और अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलते हैं अच्छी से प्यारी से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।